नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में अब शुरू हो चुका है, जहां ये मुकाबला अपने रोमांच पर पहुंच गया है। विराट कोहली और शिखर धवन ने अब तक भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। आखिरकार किस बल्लेबाज ने लगा दिया है शतक, कौन खेल रहा है, कितने रनों पर लाइव, कितना हो गया भारत का स्कोर, वो सब आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम तीसरा वनडे मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट के बताइएगा कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम तीसरा वनडे जीतेगी। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जा रहा है, जहां बांग्लादेश ने सीरीज के शुरुआती दो मैच में जीत हासिल कर सीरीज भी अपने नाम कर ली थी। हालांकि दोस्तों, टीम इंडिया तो पहले ये सीरीज हार चुकी है, लेकिन अगर क्लीन स्वीप से भारत को बचना है तो इस तीसरे वनडे मुकाबले को जीतना और इसमें अपनी लाज बचाना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। तो वहीं हम आपको बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं और अब तीसरे वनडे मुकाबले का कप्तान भी बदल चुका है, जहां बीच मैदान पर अभी तक खेले गए मुकाबले में विराट कोहली और शिखर धवन ने पारी को कई हद तक संभाल रखा। तो वहीं अगर आपको तीसरा वनडे मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना है तो आप सभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स का उपयोग कर सकते हो, और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो उसके लिए आप सभी सोनी लिव ऐप का उपयोग कर सकते हो, जहां ये मुकाबला आप सभी को दिखाया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें मैच के लाइव प्रसारण के बारे में, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी क्या कहती है। दरअसल दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक ये पता चलता है कि तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान मौसम थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीच मैदान पर 55% तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अगर ऐसा होता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा वनडे मुकाबला हम सभी को बारिश से बाधित होता हुआ जरूर नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों अब ये पिच बल्लेबाज को बल्लेबाजी में काफी ज्यादा मदद करने के लिए तैयार है, और यहाँ पर अब हम सभी को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच होता हुआ नजर आएगा, जहाँ इसका फायदा जरूर भारतीय टीम के खिलाड़ी उठाना चाहेंगे। तो वहीं बात करें अगर आंकड़ों के बारे में, तो दोस्तों टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच अभी तक कुल मिलाकर 38 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें से 30 मैचों में भारत ने जीत हासिल की है। तो वहीं बांग्लादेश की टीम ने 7 मैच में जीत हासिल की, जबकि दोनों टीमों के बीच में एक मैच ऐसा रहा जो कि बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ। और वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 5 मुकाबलों की, तो पिछले 5 मैचों में से बांग्लादेश की टीम ने 2 मैच जीते हैं और टीम इंडिया ने 3 मैचों में जीत हासिल की है। और अगर भारतीय टीम को तीसरा वनडे मैच जीतना है तो अपनी बल्लेबाजी में लगातार सुधार तो करना ही होगा, और साथ में विराट कोहली, शिखर धवन, केएल राहुल, सुरेश अय्यर को यहां शतकीय साझेदारियां करनी होंगी, तभी भारत का स्कोर 300 रनों के पार चट्टोग्राम के मैदान पर जा पाएगा। बाकी दोस्तों, अगर बात करें प्लेइंग 11 टीम के बारे में, जो आप सभी को भारत की प्लेइंग 11 टीम खेलती हुई नजर आएगी, उसमें आप सभी को पारी की शुरुआत करते हुए रजत पाटीदार और शिखर धवन दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं मध्यम क्रम हम सभी को संभालते हुए नजर आएंगे विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ में शहबाज अहमद को अब मौका दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये होगी भारत की टीम। वही बात करें बांग्लादेश की टीम के बारे में, तो बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत नाजमुल हुसैन, शांटू और कप्तान लिटिन दास करने वाले हैं। तो वहीं बात करें अगर मध्यम क्रम की, तो मध्यम क्रम में अनामुल हक, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्ला, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, नसूम अहमद और इनके साथ इबादत हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ये होगी भारत बांग्लादेश की टीम। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले के बारे में, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।